चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये मेंस लेवल डीआई का ये नया सेशन हम लोग डीआई का डिस्कस कर रहे हैं ये वाला जो डीआई हमने उठाया है वो ओली बोर्ड से उठाया है ओली बोर्ड आई वी पी एस पी यू मेन्स का जो मॉक टेस्ट है बहुत सारे लोग लगाते हैं उसका मॉक टेस्ट का वन का फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट का हम लोगों ने डी आई उठाया थोड़ा डिफरेंट है बच्चे देख के इसको घबरा सकते हैं इस वाले डी आई को आप लोग देख के घबरा सकते हैं पर बहुत सिंपल है देखिए कभी भी न्यू पैटर्न का डी आई आता है ना तो बहुत टफ नहीं आता है इस शायद बहुत सारे लोगों ने इस पैटर्न का डी आई पहले देखा नहीं होगा और लगाया नहीं होगा मैट्रिक्स डी आई है ये देखिए पहले समझते हैं लिखा क्या हुआ है तो बिलो गिवेन आर सिक्स वेफ चार्ट एंड ई चार्ट रिप्रेजेंट सिक्स डिफरेंट एलवाई ऑफ कॉपर एंड एल्मियम देखिए सब है। है? किसका कॉपर और अल्मूनियम का जो अलवाई है वो किसका है कॉपर और अल्मूनियम का ये जो अलवाई मिलके बना है वो कॉपर प्लस अल्मूनियम से मिलके बना हुआ है ठीक है सोच द परसेंटेज अच्छा किसका है परसेंटेज ऑफ कॉपर दिया हुआ है ये जो वैल्यू है इसमें इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर दिया हुआ है तो टोटल अलवाई क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर प्लस टोटल क्वांटिटी ऑफ एलमियम ठीक है नीचे देखते हैं नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है ईच मैट्रिक्स गिव ए टेन इंटू टेन बॉक्स एंड ईच बॉक्स सो इक्वल परसेंटेज सभी बॉक्स इक्वल परसेंटेज होगा तो देख लेते हैं पहले टोटल टेन इंटू टेन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इधर से टेन है इधर से भी टेन है अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे समझिए इस चीज़ को समझिएगा बहुत सिंपल है बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मैं एक बार काउंटिंग करके बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ से हम लोग गए तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन देखिए इधर से तो दस पूरा जाएगा आपका या इधर से काउंटिंग कर सकते थे तीन कम हो गया तो यहाँ तक तो साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ तो ये वाला कितना हो गया सिक्सटी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट इसमें कॉपर हो गया तो बचा हुआ थर्टी फाइव परसेंट वो क्या हुआ आपका एलमोनियम ठीक है उसी प्रकार से देखिए तो तीन और तीन तो यहां पे कितना हो गया सिक्सटी परसेंट कॉपर और अल्मूनियम कितना फोर्टी परसेंट अल्मोनियम ठीक है उसी प्रकार से किसी में भी निकाल सकते हैं इसमें देखिए जैसे तो ऊपर से ही माइनस कर दीजिए तो ऊपर से कितना बीस और अट्ठाइस परसेंट माइनस हो गया तो ये बचा कितना बहत्तर परसेंट यहां बहत्तर परसेंट कॉपर एलमुनियम कितना हो गया तो अल्मोनियम हुआ अट्ठाइस परसेंट क्लियर है तो देखिए इसको निकालेंगे नहीं जब जरूरत पड़ेगा जिस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में निकालेंगे पहले से निकाल के हमको लिख के कहीं से नहीं रखना है समझ आ रहा है जैसे जरूरत होगा वैसे हम लोग आएंगे डायग्राम को देखेंगे और निकालेंगे डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा उसके नीचे ही क्वेश्चन होगा ठीक है दोस्तों चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर वन इसको हम लोग एक बार पिक करते हैं देखिए इस इसको एकदम बगल में ही प्लेस कर देते हैं हम लोग कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड अल्मोनियम इन एलवाई एफ एलवाई एफ में डिफरेंस लेना है किसका कॉपर और अल्मोनीम का कॉपर और अल्मोनियम का डिफरेंस जो है तो एफ में पहले देखिए है कितना कॉपर तो एफ़ में यहाँ पे आते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ से ऊपर से ही काउंटिंग कर लीजिए दो और दो चार हो गया तो ये पचास हो गया और एक दो तीन चार पाँच पचपन परसेंट तो यहाँ पे जो कॉपर हुआ वो पचपन परसेंट हो गया और एलमिनियम जो हुआ वो कितना हो जाएगा पैंतालीस परसेंट हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा दस परसेंट और ये दस परसेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है सोलह ग्राम तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो एक सौ साठ ग्राम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी या रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको आप, आप लोग मेथड टू आप चाहते तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते कॉपर ग्यारह यूनिट हो जाता है कितना यूनिट हो जाता है तो अल्मोनियम का नौ यूनिट हो जाता है पाँच से कट्टा तो दोनों का अंटर कितना दो दो यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो दो का वैल्यू दिया हुआ है सोलह ग्राम तो एक का वैल्यू कितना हो जाता आठ और ग्यारह नौ बीस तो बीस यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता तो बीस यूनिट की वैल्यू आठ इंटू बीस एक सौ साठ ग्राम यहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बहुत सिंपल था देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था थोड़ा नया टाइप का था तो नया टाइप का अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो घबराना नहीं है उस चीज से बहुत सिंपल है ठीक है चलिए मूविंग टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कंप्यूटर जी इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलिए चलिए कह कॉपर इन एलवाई डी एंड ई टूगेदर अच्छा कॉपर का क्वांटिटी टोटल दिया हुआ है टोटल का क्वांटिटी दिया हुआ है तो डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि डी और ई e लेते हैं नहीं डी और ई e नहीं लेंगे हम लोग ना इस चीज़ को आसान करने के लिए टोटल क्वांटिटी डी में कितना लेंगे हंड्रेड डी और एल्यूमिनियम में कितना लेंगे हंड्रेड डी टोटल क्वांटिटी ठीक है क्यों क्योंकि परसेंटेज है परसेंटेज है तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी अब पहले हम डी में देखेंगे डी में है कितना तो डी में देखिए यहाँ पर वन टू थ्री तीस माइनस कर दीजिए और इधर से कितना छः है तो छत्तीस ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी कॉपर हो जाएगा ठीक ई में देखिए तो यहां तक गया सत्तर और दो बहत्तर तो बहत्तर परसेंट गया है आपका कॉपर तो अट्ठाइस परसेंट ही आपका एल्मोनियम होगा यहाँ पे अल्मूनियम ठीक है तो सिक्सटी फोर और थर्टी सिक्स तो यहाँ पे पहला जो बेसिक इक्वेशन हमारा बनेगा कंप्यूटर ज्यादा नीचे नहीं आना है। तो यहाँ पे डी में कितना बनेगा तो सिक्सटी फोर ठीक कॉपर कितना हो गया सिक्सटी फोर डी तो सिक्सटी फोर डी हो गया ठीकुनियम कितना होगा तो थर्टी सिक्स डी कॉपर फिर उसके बाद कॉपर ई में कितना होगा तो सेवेंटी टू था तो सेवेंटी टू ई ठीक है, तो तो है यहाँ पे ई में जो है अट्ठाईस ई था? था, तो e. ये कितना दिया हुआ है एटी नाइन ग्राम दिया है ठीक है सबसे आसान इसका तरीका यह है कि दोनों को जोड़ दीजिए तो ये भी हंड्रेड हो जाएगा ये भी हंड्रेड हो जाएगा तो डी प्लस ई और हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा नौ पंद्रह और सोलह और एक पंद्रह दो सौ पचहत्तर बटा सौ से हमने डिवाइड कर दिया ये हो जाएगा तो पच्चीस से करेंगे ग्यारह पच्चीस से करेंगे चार तो ये वैल्यू कितनी हो गई ग्यारह अपॉन चार क्लियर है अब किसी एक को किसी एक को बैलेंस कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं ना कि हम इस थर्टी को ही बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्टी से ठीक है तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्टी सिक्स डी प्लस का थर्टी सिक्स ई इज इक्वल टू इलेवन इंटू फोर इंटू थर्टी सिक्स हम लोग कर सकते हैं इलेवन इंटू फोर इंटू का थर्टी सिक्स तो चार से कटा नौ नाइन हो गया तो नाइनटी नाइन अब देखिए दो इक्वेशन यहीं पे मिल चुका है हम लोग को कहीं से अलग कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये यहीं से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो छत्तीस छत्तीस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये छत्तीस में से अट्ठाइस गया तो छः और दो आठ ही बचेगा कितना एट ई e बचेगा एट ई इज इक्वल टू दस तो ई e की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई फोर ई की वैल्यू आ गई फाइव बाई फोर अब यहाँ से डी प्लस ई इलेवन बाई फोर है तो यहाँ से डी हो जाएगा तो 11 बाई फोर माइनस का ई e कर देंगे तो फाइव बाई फोर तो ये हो जाएगा सिक्स बाई फोर सिक्स बाई फोर का मतलब कितना थ्री बाई टू ठीक है तो यहाँ से ई e, ई e कितना आ गया तो टोटल क्वांटिटी ई टोटल ई आया आपका हंड्रेड इंटू फाइव बाई फोर तो चार से कटा पच्चीस पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस और यहाँ पे टोटल डी जो आया वो कितना है हंड्रेड इंटू थ्री बाई टू पचास थी डेढ़ सौ तो ये डेढ़ सौ और एक सौ पच्चीस डेढ़ सौ और एक सौ पच्चीस का डिफरेंस कितना हो गया था पच्चीस ग्राम ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया पच्चीस ग्राम ऑप्शन नंबर बी समझ सकते हैं बहुत आसानी से समझ आ गया होगा बहुत कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था सिंपल था चलिए मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कभी भी डीआई आई बनाएगा ना तो फ्रेश पेज में बनाएगा हो सकता है पुराने क्वेश्चन का कुछ डाटा इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ जाए अब क्या करें टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑफ इज दैट ठीक है तो यहाँ पे लिख देते हैं सी एलवाई सी यहाँ पे एलवाई डी अब देखिए सिक्सटी परसेंट का वैल्यू कितना होता है सिक्सटी परसेंट का वैल्यू होता है थ्री बाई फाइव मतलब अगर एलवाई डी हमारा पांच है तो एलवाई सी कितना होगा तीन होगा ठीक क्लियर है ग् अब देखिए हमसे रेशियो पूछा है क्या पूछा हमसे आगे देखिए ऑप्शन के साथ आप लोग देख रहे रेशियो पूछा है अब कह रहे हैं एलवाइडीज थर्टी सिक्स ग्राम मोर देन एलवाइसी कोई मतलब नहीं है इसका क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है तो पहले इसमें कॉपर और एल्मोनियम निकाल लेते हैं ये कॉपर और ये यह अल्मोनियम यहाँ कॉपर और ये अल्मोनियम तो पहले चलते हैं हम लोग कहाँ पे डायग्राम पे तो सी में देखिए तो सी में क्लियरली दिख रहा है दो तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो ये कितना हो जाएगा एट्टी एट्टी परसेंट कॉपर और ट्वेंटी परसेंट एल्मोनियम डी में तो अभी देखा था चौंसठ और छत्तीस तो डी में अभी हमने देखा था कितना सिक्सटी फोर और ये थर्टी सिक्स यहाँ पे कितना एटी और ट्वेंटी इतना लिखने का जरूरत नहीं था सीधा हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अब क्या पूछा है रेशियो कॉपर का पूछा है तो कॉपर यहाँ पे कितना है अस्सी परसेंट किस रेशियो में तीन रेशियो में तो तीन इंटू अस्सी परसेंट हो गया यहाँ पे कितना है चौंसठ परसेंट किस रेशियो में पाँच रेशियो में तो इंटू फाइव तो आठ से पूरा कट गया ये दस और आठ से कटा ये आठ ठीक है तो आठ पचे चालीस और तीस तीस रेशियो चालीस हो गया तो तीस रेशियो चालीस का मतलब कितना थ्री टू फोर ऑप्शन नंबर कितना डी अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पहला ये थ्री एक्स यूनिट ले लेंगे ये फाइव फाइव एक्स यूनिट ले लेंगे अब यहाँ पे कह रहा है डी क्या कह रहा है अल्मोनियम ऑफ अलवाई डी इज छत्तीस ग्राम मोर देन इट अलवाई सी तो डी में जो है वो सी से ज़्यादा है छत्तीस ग्राम कौन सा अल्मोनियम तो यहाँ पे कितना हो गया छत्तीस इंटू पाँच सॉरी एक सौ अस्सी क्लियर है एक सौ अस्सी एक्स माइनस का सिक्सटी एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ग्राम फिर यहाँ से एक सौ बीस एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ग्राम फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे फिर कॉपर निकालेंगे वैल्यू कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीज़ों के कहीं कोई जरूरत नहीं है रेशियो पूछा है तो हम रेशियो से निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है उम्मीद करते हैं ये छोटा सा डीआई तीन ही क्वेश्चन थे इसमें आप लोगों को समझ आया होगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे तीन को, पाँच क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है पर ये जो आपका मॉक टेस्ट दिया हुआ था ओली बोर्ड का उसमें बस तीन ही क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें और भी जो मॉक टेस्ट में आपके डीआई बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसलेट भी है जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद